दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ प्रताप मुड़े, ये इनका रिजॉर्ट है, नाम पेन जंगल व्यू कैंप। पेन जंगल व्यू कैंप। और क्या क्या प्राइस, क्या क्या फीस है आपका यहाँ पे, क्या रेट सर? लेते हैं? सबसे पहले बात तो ये जो रिजॉर्ट का लोकेशन है, इक्टोरिया गेट जो है, हाँ इसको लक्की है। ओके, ये तो सबसे सबसे अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ अगर आप यहाँ पे अगर स्टे करते हो तो इसका सबसे मेन बेनिफिट ये है कि सफारी के वक्त हाँ आपका हाफ एन आवर बच जाएगा। बच जाएगा, मान लीजिए आपका 6 बजे का सफारी है, हाँ आप 6 बजे भी उठ जाते हो तो हाँ 5 मिनट में अगर आप सफारी के लिए एंट्री कर सकते हो, करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि सामने ही गेट है। सामने बिल्कुल में गेट है। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाफ एन आवर का जो समय है रिजॉर्ट से गेट तक पहुंचना, दिन आफ्टर प्रोसेसिंग करना, ये आपका बच जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आपको इस रिजॉर्ट के देखने को मिलेगी। हाँ और मेरे पास जो है अफ्रीकन टाइप्स ऑफ टेंट्स है, हाँ ये आप देख सकते हो, ये वन ऑफ द टेंट है, इसे हम एग्जीक्यूटिव टेंट बोलते हैं। ओके इसका एरिया इतना स्पेशियस है कि आराम से 6 लोग अकोमोडेट हो सकते हैं। और ये फैन का क्या रेट होगा? हाँ सर, रेट तो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, लेकिन ये पाइन वुड का फैन है। ओके इसका हवा आपको कम मिलेगा, लेकिन इसका लुक एंड फील जो है वो बहुत बेहतरीन है। हाँ इसी में लाइट्स भी लगे हुए हैं। देन हाँ आफ्टर यहाँ से कंट्रोल है, ये लाइट का कंट्रोल है, फैन का कंट्रोल है, अच्छा, तो यहाँ से ऑपरेट हो सकता है। और हमारे पास एक खास चीज़ जो है वो है 2 टन का एसी। ओके ये एसी इतना बेहतरीन और पावरफुल है कि ये 15 से 20 मिनट में आपके, समर सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ आपके टेंट को अच्छा खासा कूल कर देगा कि आपको लगेगा एसी बंद कर दूँ अभी। तो आपने इसको हैंग कैसे किया है? सर, इसके पीछे हम लोगों ने वॉल खड़ी की है। ये सीमेंटेड वॉल है? सीमेंटेड वॉल है, कंक्रीट की वॉल है। वॉल इसीलिए क्योंकि अंदर में हमारे पास वॉशरूम है। नाइस, तो दिस इज द वॉशरूम। देखिए लाइट्स ऑन, अभी लाइट सर लाइट नहीं है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो जस्ट अभी लाइट गई है। बट और जनरेटर सप्लाई है हमारे पास, लेकिन फिलहाल मैंने स्टार्ट नहीं किया। एज यू सी, बहुत ही लग्जेरियस टॉयलेट भी है, वॉशरूम बहुत अच्छा है। और जो है अभी लाइट अगर आ जाती तो इन्होंने पीवीसी पैनलिंग वगैरह भी कर रखा है और काफ़ी कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा जो है व्यू है। तो ये जो एसी है, ये कॉन्क्रीट वॉल है जो है, आरसीसी स्ट्रक्चर पर जो है एस्टैब्लिश है वॉल है। हाँ, वॉल के ऊपर हम लोगों ने ये एक वुडन का प्लेट है, हाँ हम लोगों ने लगाया है इसके ऊपर, एसी का इंस्टॉलेशन किया। नाइस, बढ़िया। तो क्या आप क्या रेट से यहाँ पे कपल्स को? एग्जीक्यूटिव टेंट अगर हम लोग यहाँ पे कपल की बात करें तो एपी प्लान, एपी यानी अमेरिकन प्लान होता है। ओके, जिसमें हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, हाई टी, हाँ, ये सभी चीजें इंक्लूड करने के बाद हाँ, 6,500 रुपीज का हम लोग कॉस्टिंग यहाँ पे रखे है, जो कि इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस के साथ में है। हाँ, और अगर बाय द वे अगर किसी के मतलब ये आते हैं, किसी के क्या बोलेंगे उनको, ग्रुप बोलना चाहते हो? नहीं नहीं, किसी के मेरे सजेशन पे कोई आता है जी जी, तो क्या उनके लिए आप कुछ कॉस्ट वगैरह? 100% सर, अगर आपके अगर कोई गेस्ट है, आप रेफर करना चाहते हो तो हाँ, मेरे आप प्लीज रेफर कीजिएगा। हाँ, हम उनको बेहतरीन सर्विस के साथ में बेहतरीन रेट भी देंगे, प्राइस भी उनके डिस्काउंटेड रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इतना बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली स्पीकिंग, बहुत पॉजिटिविटी है। और जैसे कि अगर हम अब बाहर जाएंगे, बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, जो बहुत ही सुंदर है, एकदम अद्भुत, मतलब एक एक सेकंड यहाँ पे आपको इन्जॉयबल लगेगा। आपके अंदर जो भी थकान, टेंशन, स्ट्रेस है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल मिट जाएगा, क्योंकि यहाँ का वातावरण बिल्कुल अद्भुत है। दिस इज़ पेंच टाइगर रिजॉर्व, आई एम स्पीकिंग अबाउट पेंच टाइगर रिजॉर्व। और यहाँ पर ये जो बिल्कुल उन्होंने बताया प्रताप ने, यहाँ पे गेट बिल्कुल सामने है और वहाँ पर ही ये रिजॉर्ट है। तो प्रताप सर, दूसरा चीज़ ये कि हमारे पास आज के समय पे 9 कॉटेजेस है। ओके, और 9 कॉटेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है जी, तो एक कॉटेज से दूसरे कॉटेज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। वेरी इस बात का हम लोगों ने अच्छा खासा ध्यान रखा है। वेरी नाइस। इस लोकेशन की अगर बात करें नेचुरली, तो हमने जितना ज़्यादा नेचुरल लुक दे सके उतना दिया है, रस्टिक रखा है इसे बिल्कुल। साथ ही साथ ये जो आपको खुला आसमान एट ए टाइम दिख रहा है, हाँ, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है स्टार गेजिंग के लिए बिल्कुल। अगर आप नाइट में यहाँ पे स्टार गेजिंग करना चाहते हो, हाँ, अगर हम लोग पूरे लाइट एट ए टाइम बंद करते हैं तो आपको 10,000+ स्टार्स देखने के लिए मिलेंगे बिल्कुल। और कुछ स्पेशल डेज होते हैं थ्रू आउट द ईयर, उस स्पेशल डेज में कुछ प्लैनेट्स है वो भी नेकेड ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्रेट, वो एक स्पेशल थिंग यहाँ पे हमें महसूस हुई है। तो प्रताप, मैं एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि जब आप कहीं टाइगर रिजर्व वगैरह में आते हो या
आप कहीं ऐसे कॉटेजेस में रुकते हो, तो एक क्यूरियोसिटी रहती कि क्या टाइगर यहाँ पे आया था क्या? तो ये बहुत ही मतलब एक स्वाभाविक सा सवाल रहेगा जी जी कि यहाँ पे क्या टाइगर आया था क्या? हाँ सर, आपने जैसा मीन्स बहुत क्यूरियस क्वेश्चन मुझे पूछा, मुझे अच्छा भी लगा पूछ के। सर जब ये प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट चल रहा था तो हाँ यहाँ पे हम लोगों ने फेंसिंग या फिर सिक्योरिटी के लिए बहुत खास व्यवस्था नहीं की थी। हाँ तो उस समय पे काफ़ी सारे एनिमल्स जो है वो आते थे, चले जाते थे, वो ओके अपना काम करते, हम लोग अपना काम करते। हम हाँ लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, हम लोगों को उन्हें किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं देनी है, उन्हें उनके मीन्स डेली लाइफ साइकिल में डिस्टर्ब नहीं करना है, ओके ना उनको इवन खाने को देना है। हाँ उनका खाना जंगल में बहुत है, वो इनफ है उनके लिए, हम लोगों को उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था कि ये जो टेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हाँ तो टेंट का जो फ्रंट एरिया दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे टेबल और चेयर्स लगे हुए हैं, जी जी, तो वहाँ पर 2 से 3 डियर आके बैठ चुके थे। ओके क्योंकि बारिश का समय चल रहा था, उन्हें लगा कि थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिला है। हाँ और मैं टेंट के अंदर था। अच्छा तो एक मेरा जो इंटरेक्शन है वो बहुत बेहतरीन रहा। हाँ और एक टाइगर का इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कंस्ट्रक्शन के समय की बात है, जब ये डेवलपमेंट फेज में था। हाँ तो रात का समय था, तो मैं टेंट के अंदर रिलैक्स कर रहा था, दिन भर का काम के बाद थकान हो चुकी थी, तो मैं आराम कर रहा था। तो मुझे टाइगर की डहाड़ सुनाई दी। ओके तो टाइगर की डहाड़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि मुझे जस्ट ऐसा लग रहा था कि मेरे टेंट के सामने आज हिरन के जगह पे टाइगर आके बैठा है। तो मुझे डर तो बहुत नहीं लगा। हाँ लेकिन मुझे क्यूरियसिटी बहुत लगी और बहुत एडवेंचर थ्रिल लगा मुझे। ओके मुझे ऐसा लगा यार क्या मोमेंट है मेरे लाइफ का। हाँ कि शेर यहाँ पे आके बैठा हुआ है। हाँ हालांकि वो बैठा हुआ नहीं था, बाद में पता चला, लेकिन वो मेरे कॉटेज के आसपास में ही था। हाँ हालांकि ये भी देखा जा चुका है कि एनिमल्स को कभी कभार उन्हें भी मूड होता है कि कहीं पे जाके अपना बॉडी रगड़ ले। हाँ हाँ तो इस टाइप में एक्टिविटीज करते हैं जी। तो ये जो बन रहा था जो प्लिंथ वगैरह जो है, हाँ तो हो सकता है कि टाइगर वहाँ पे आके अपना बॉडी रब किया हो। हाँ या फिर उसे थोड़ा सा वार्म फीलिंग हो तो उसको चिपक के बैठा हो कुछ समय के लिए, अपना टाइम स्पेंड किया हो। लेकिन जब दहाड़ता है या फिर वो किसी को कॉलिंग करता है या फिर एनीथिंग एल्स, तो उसका आवाज इतना डिलीशियस था, ऐसा लग रहा था कि यार क्या चीज है, मैंने क्या सुन लिया, मजा आ गया मुझे। Okay. तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। हाँ तो उस इंसिडेंट को लेके मैंने प्रेरित होकर एक छोटा सा किताब लिखा था, तो मीन्स अभी भी लिखा हुआ है। हाँ उस किताब का नाम है टाइगर इन माय टेंट। जस्ट मेरा क्वेश्चन यही था इसके बाद जी वाला जी। कि आपने हाँ जो है अभी तो उसमें रात भरे में मेरा जो भी अनुभव रहा, उस रात मुझे नींद नहीं आई। ओके तो ओके वो खुशी के मारे थी। तो हाँ मैंने अपने रात भर के मेरे क्या क्या ख्याल आए मुझे, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन किया। okay. तो वो छोटी सी बारीकियाँ इसी जो चीज़ें हैं जो मैं शायद अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एक रात में ख्याल आई जी। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैंने उसमें मैंने डिस्प्ले किया, सभी चीज़ों के बारे में बताया है। अच्छा ये टेंट फाड़ के वो अंदर आ जाएगा, ये सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो टेंट है इसकी खासियत ऐसी है कि वाटरप्रूफ है, फायर प्रूफ भी है। ओके और कोई एनिमल इसको अगर टियर करने का कोशिश करते हैं तो उनका नाखून फिसल जाता है। ओके और ग्रिप नहीं बनता। 4 लेयर्स है सर इसमें। ओके हाँ तो 4 लेयर आपको प्रोटेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है। ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी क्योंकि टेम्परेचर को भी मैनेज करने का कैपेसिटी उस क्लॉथ में है। ओके और गर्मी में भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन गर्मी के समय पर गर्मी तो होती है, हमारे कॉन्क्रीट के घर में गर्मी होती है, तो ये तो टेंट है तो गर्मी तो होगी। तो गर्मी से बचने के लिए हम लोगों ने बेहतरीन यहाँ पे एसी लगाया है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो स्वाभाविक है कि अभी मतलब जनरली जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे जी, तो एक मन में वही रहता ही है कि यार सिर्फ क्या हम लोग क्या जंगल सफारी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं क्या जी? तो क्या जंगल सफारी के अलावा भी यहाँ पे इस लोकेशन में और भी कुछ है टूरिज्म के लिए जहाँ पे हम जा सकते हैं जी? कुछ और स्पोर्ट्स वगैरह कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पे है? हाँ सर, इस लोकेशन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि जंगल सफारी तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, देन अपना स्टार गेजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो उस एक्टिविटी का भी आप अनुभव ले सकते हो। बिल्कुल। एक स्पेशल चीज टूरिया गेट के बारे में है। हाँ कि टूरिया गेट को लग के एक छोटा सा म्यूजियम दिया गया है, गवर्नमेंट ने जो बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। लेकिन वो म्यूजियम इतना बेहतरीन बनाया है कि आपको लगेगा टिकट भी इसे देते हाँ तो भी लोग आते देखने के लिए। ओके। आपको मजा आएगा। और हाई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके उस म्यूजियम को बनाया गया है, वो भी एक बेहतरीन चीज है। ओके। आप उसका भी आनंद ले सकते हो। देन आफ्टर एडवेंचर्स में अगर आपको कुछ करना है तो पैरा मोटरिंग,
देन हॉट एयर बलून राइड, ये सब चीजों का आप अनुभव ले सकते हो। उतना ही नहीं, तुम्हारे पास कोका लेक करके एक लोकेशन है, उस लेक पे अगर आप जाते हो तो एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, जस्ट लाइक की कैकिंग, जिप लाइन, वाटर जॉर्बिंग, आर्चेरी, ये सब चीजों का आप वहाँ पे अनुभव ले सकते हो। बहुत ज्यादा बेहतरीन वहाँ पे स्टाफ भी अवेलेबल है, आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, तो फैमिली के साथ में आप आ सकते हो। तो क्या स्विमिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे? सर स्विमिंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि सभी को लोगों को ना मीन टूरिस्ट की अगर बात करें तो उन्हें स्विमिंग पूल में स्विम करने का हैबिट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तालाबों में या फिर नदियों में स्विम करने का उतना हैबिट नहीं होता, तो कुछ रिस्की होनी घटना हो सकती है, रिस्की हो सकता है, या फिर उन्हें फील हो जाए, फोबिया हो जाए किसी चीज का। बिल्कुल, पैर में लकड़ी लग जाती है, उन्हें लगता है सांप आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार की चीजों का कोई भी कोशिश ना करे, जितने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, क्योंकि हम लोग एज ए टूरिस्ट करके आ रहे हैं तो हम लोगों को अपना टूर एंजॉय करके रिटर्न जाना है, चीज का हमने ध्यान रखना। तो इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एंड जो एक संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे कई कुछ दिनों सालों पहले यहाँ पे पेड़ हुआ नहीं करते थे, तो ये जो पेड़ लगाए हैं ये हम लोगों ने थोड़ा सा इस पे मेहनत ली है। वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पे बाम्बू वगैरह जो लगे हैं, हाँ, ये यहाँ पे नहीं थे। okay. यहाँ पे हम लोगों ने लगा, और काफी सारे छोटे बड़े पेड़ है जिसे लगाने के बाद में बड़े होने में समय लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत तो हम लोगों ने की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने जीवन में एटलीस्ट एक तो भी पेड़ लगाइए। थैंक यू। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। इट वॉज अ ग्रेट टॉकिंग टू मिस्टर प्रताप मुड़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, और जब भी उनसे बात होती है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। और आज हम लोग यहाँ पे जो है टाइगर सफारी के लिए और यहाँ पे बेसिकली विजिट के लिए आए थे। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक टू हिम। और इन केस भविष्य में अगर आप टाइगर रिजर्व में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू कम टू विच टाइम जंगल व्यू कैंप। पेंच जंगल व्यू कैंप, भूलिए मग्गा मत, पेंच जंगल व्यू कैंप में आइए। बहुत सस्ते में और बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको एवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे, उन्होंने वादा किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद आप सभी मोटिवेटेड रहेंगे पेंच टाइगर रिजर्व में आने के लिए। थैंक यू सो मच।